जैसे कि आपको पता है, कल मेरा मामा का लड़का कुछ इसी टाइप से हमारे घर पे आया था, लेकिन आज ये अपना घर जा रहा है। तो इधर तुम्हारी भाभी हम सबको खिलाने के लिए रोटी बनाने की तैयारी करने लगी है, और अब ये रोटी बना भी रही है। वैसे हम ज्यादातर सुबह सुबह रोटी ही खाते हैं, इसलिए फाइनली अब हम दोनों ही रोटी खाने के लिए बैठ चुके। फिर जैसे ही भैया ने भी खा लिया तो ये अपना बाइक निकाल के घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि हमारे मामा जी जल्दी आ कह रहे थे, तो इसलिए ये डर के मारे यहाँ से निकल गया। और फिर ऐसे ही करते करते काफी टाइम हो गया, तो ये मानी मुनी साग लेके आई। हमारे खेतों में बहुत सारे है और इसका सब्जी काफी अच्छा होता है, लेकिन भैया जैसे शाम हुई तो हमारा बल्ब का टाटा बाय बाय हो चुका था। एंड फिर मैं दूसरा बल्ब लेने दुकान पे आया और घर आते ही ला के देखा तो ये जल भी गया, खराब हो चुका है पूजा करने का टाइम। तो आज मेरी छोटी बहन पूजा कर रही है और इसे कहते हैं नेपाली रोटी, जो हमें सोस्तानी माता के प्रसाद के रूप में मिला है। तो तुम्हारी भाभी ने सबको बांट दिया, इतना खाते तुम्हारी भाभी लग चुकी है खाना बनाने। और इसने लिया है मानी मुनी साग के साथ एक आलू, एंड ये धड़ाधड़ काट भी रही है। तो इधर हमारा दाल भी बन रहा है, एंड इधर मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, तो अब मैं भी अपना वीडियो बना लेता हूँ।